हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हमारे सामने एक नई रेस होने वाली है। तो ये जो है, ये है बजाज की तरफ से आने वाली RS 200, जो कि काफ़ी दिलों पे राज करती है। ये BS 7 है और ये BS 6 है, और ये है सुजुकी की तरफ से आने वाली स्ट्रॉन्ग 250। ये 250 है और ये 200 है। अगर BHP पावर की बात कर लें तो इसकी BHP पावर 26 है और इसकी BHP पावर 25 है। और बाकी ये अभी रिसेंटली देख सकते हैं कंपनी की तरफ से आई है, और तो इसका मीटर नहीं चल रहा है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बाद में किसी को काफ़ी लोग के बैड कमेंट्स आते हैं कि मीटर नहीं चल रहा है, बेवकूफ़ बना रहे हो या कुछ भी। तो पहले ही बता रहा हूँ कि इसका अभी मीटर नहीं ऑन है। और बाकी अभी इन दोनों में रेस करेंगे, और अपने साथ में आज शुभम भाई। तो कैसा क्या रिजल्ट होने वाला है अभी आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा। बाकी बाइक में देख सकते हैं कोई भी मतलब पहले की तरह ही पूरी है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, और केवल इसमें BS 7 दे दिया गया है। अभी इसमें फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब देख सकते हैं वैसे ही पूरे स्टिकर्स हैं। जो BS 6 में आते हैं वही BS 7 में भी है, और मीटर भी देख सकते हैं कुछ वैसा ही, बट कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे। गियर वाला यहाँ पे जो इसमें दिख जाता है, ये सब कुछ चेंजेस हैं, और बाकी कुछ खास चेंजेस नहीं है, यही कुछ है। और बाकी देख सकते हैं बाइक, ये 250 है और ये 200 है। तो चलते हैं रेस को शुरू करते हैं, अपने साथ में शुभम भाई, और आप भी भाई वीडियो के मज़े लीजिए। मैं चलाने वाला हूँ V-Strom और शुभम भाई चलाने वाले हैं पल्सर RS BS 7। तो ये BS 7 एंड BS 6। भाई बहुत ऊंची बाइक है, देख रहे हो पैर कैसे लगाना पड़ रहा है भाई। ये एडवेंचर बाइक है तो कुछ तो ऐसा होगी। तो यहाँ पे भाई RS निकल चुकी है बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया से RS निकल चुकी है। बहुत सही भाई, भाई इसका गियर कुछ शिफ्टिंग में दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से गया इसका 10,000-11,000 के आसपास, और अभी 5 गियर मैंने लगा दिए हैं, 6 गियर, और 6 स्पीड जा रही होगी यार। स्पीड का तो आइडिया नहीं हो पा रहा है मुझे। और 6 गियर में बहुत बढ़िया 10,000 RPM तक गई है, अभी 10,000 RPM क्रॉस होने ही वाली है। तो भाई ये है ऑफ रोडर बाइक, और ये है मतलब क्या ही कह सकते हैं, मतलब ये तो अपने तो ये फुल फेयरिंग बाइक है, और ये है एडवेंचर बाइक, मतलब ये स्पोर्ट है वह एडवेंचर है। तो कुछ तो ऐसा रिजल्ट होना था, बट अभी स्विच करते हैं राइडर और देखते हैं क्या अभी कुछ रिजल्ट में चेंजेस आते हैं। लॉन्चिंग का बहुत यार मैटर करता है भाई, की लॉन्चिंग थोड़ी ठीक नहीं लगी मुझे, और देख सकते हो बहुत पीछे हो गए हैं भाई अपने। जा रही बढ़िया से धर्राटे से 127 130 131, 6 गियर, RS बहुत पीछे है।
दिख नहीं रहा है बट ऊपर आ रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा पर जा ही नहीं रही यार, विंड ब्लास्ट बाइक से पूरा भर गई है। और आरएस वो देखो भाई निकल गई, आरएस बहुत तेजी से निकली है। भाई पीछे है, काफी पीछे हो गया भाई। भाई 10,000 आरपीएम पे चल रही है बाइक अपनी। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि शुभम भाई ने लॉन्च में थोड़ा आगे था मतलब, तो बट कुछ टाइम बाद शुभम भाई देखा कि पीछे हो गए। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है ये, तो अभी देखा जैसा कि बाइक ना अभी विन किया, आरएस ने दोनों ही राउंड में विन किया। सेकंड राउंड में थोड़ा लॉन्चिंग दिक्कत आई और भी देखा कि अभी विन कर गई। और जैसा कि देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जा रही थी वी स्ट्रॉम, ये 142 अपना टॉप एंड तो अचीव करी बट इसको आरएस को पीछे करना पाना नामुमकिन है भाई, क्योंकि आरएस आरएस है यार, सबके दिलों पे राज करती है। पल्सर एक ऐसी बाइक है जो इंडिया में जब से आई है राज कर रही है सबके दिलों पर। तो उम्मीद करते इस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन उसे भी दबाना, जाके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जल्दी ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पर बैक टू बैक मिलते रहेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लाइक शेयर टेल देन बाय बाय। एंड इंस्टा पेज भी फॉलो कर लो, बगल में हमारा दिख रहा होगा। चलिए।